नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में बात करेंगे सीरिया की। सीरिया में देखिए, जब से तख्ता पलट हुआ है, कई ऐसे देश हैं जो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, जिन्होंने तख्ता पलट का स्वागत किया है, और सीरिया के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो भी खुशी मना रहे हैं। कुछ ऐसे देश हैं जिनको काफ़ी झटका लगा है, जैसे कि इसराइल है, उसने तख्ता पलट का स्वागत किया है, और ईरान है, रूस है, जिसे काफ़ी बड़ा झटका लगा है जब से सीरिया में असद का तख्ता पलट हुआ है। इसराइल ने इस तख्ता पलट का स्वागत किया है, और जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा जो फ़ायदा है वो इसराइल को हो सकता है। इसराइली सेना लगातार सीरिया में भी घुस रही है, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर उसकी सेना कब्जा करना भी चाहती है। लेकिन जो असद का परिवार है, जो करीब 50 सालों से सीरिया पर राज कर रहा था, महज 11 दिन के अंदर ये तख्ता पलट हो गया, जो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। लेकिन एसटीएस की बात अगर करें तो एसटीएस राजधानी को नियंत्रण में ले चुका है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश जिस अलकायदा से सालों तक लड़ते रहे हैं, उसी अलकायदा का हिस्सा माना जाने वाली एसटीएस का सत्ता परिवर्तन करने पर स्वागत कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट एक बार फिर शांति और अशांति के दौराहे पर खड़ा है। बशर की सत्ता का खात्मा होते इसराइल ने इसका स्वागत किया। खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे मिडिल ईस्ट के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया है। पिछले 1.5 साल में इसराइल ने गाजा से हमास का सफाया कर दिया, लेबनान में हिजबुल्ला से सीज फायर कर लिया, और अब सीरिया में बशर की सत्ता का खात्मा हो गया है। विद्रोही लड़ाकों के डमस्कस पहुंचते इसराइल ने अपने कदम गोलान हाइट्स की तरफ बढ़ा दिए, सेना वहां पर बढ़ी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि डमस्कस पर कब्जा करने वाले हयात तहरीर अल शाम से इसराइल के रिश्ते कैसे होंगे, यानी कि जो इसराइली सेना है वो लगातार सीरिया में तो घुस रही है, लेकिन रिश्ते अब जो नए लोग हैं वहाँ पर, उनके साथ इसराइल के कैसे रिश्ते होंगे, ये एक बड़ी बात होगी। लेकिन लगातार कई ऐसे देश हैं जिन्होंने इस तख्ता पलट का स्वागत किया है। और अगली खबर जो बड़ी खबर है, सीरिया में असद सरकार की तख्ता पलट के बाद अब आंतरिक प्रधानमंत्री को चुना गया है, एक नए शख्स को इस पद पर रखा गया है। तो अल असद के तख्ता पलट के बाद हयात तहरीर अल शाम ने मोहम्मद अल बशीर को आंतरिक सरकार का प्रधानमंत्री चुना है। वो मार्च 2025 तक शासन का कार्यभार संभालेंगे। देश में नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी मोहम्मद के कंधों पर आई है। वो इस समय पुरानी सरकार के अधिकारियों से मिलकर आंतरिक सरकार का गठन करने में लगे हैं। बशीर ने पीएम की कुर्सी को संभालने के बाद अब देश में शांति व्यवस्था रखने का आह्वान किया है। उन्होंने आगे कहा कि अब समय आ गया है कि सीरिया में रहने वाले लोग, यानी कि सीरियाई नागरिकों को स्थिरता और शांति का आनंद मिलना चाहिए, उन्हें शांति मिलनी चाहिए। इसके अलावा बशीर ने पहले सीरिया के इदलिब में विद्रोही प्रशासन की सॉल्वेंट गवर्नमेंट के प्रमुख के रूप में काम किया है। इससे पहले उन्होंने विकास मंत्री का पद भी संभाला था। बशीर ने अपने बयान में कहा कि जिस तरह से क्रांति सभी सीरियाई लोगों के लिए क्रांति थी, उसी तरह ट्रांजिशन प्रोसेस भी सभी सीरियाई लोगों की जिम्मेदारी रहेगी। यानी कि जो ट्रांजिशन प्रोसेस है, जब सरकार बदलेगी तो उस प्रोसेस को शांतिपूर्ण किया जाए, ऐसा इन्होंने कहा है। इसके अलावा जो नई सरकार बनेगी उसके लिए तमाम बातचीत लगातार की जा रही है। इस वक्त सीरिया मिडिल ईस्ट की हॉट सीट बना हुआ है। कई दावेदार सामने नजर आ रहे हैं। असद का तख्ता पलट हो जाने के बाद ये हॉट सीट खाली है। कौन राज करेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति होगा, ये तमाम चीजें देखने वाली हैं। लेकिन इसी बीच विद्रोहियों के गुटों के अलावा इसराइल और तुर्की भी सीरिया पर कब्जा करने की फिराक में है। 27 नवंबर को सीरिया पर पहला हमले से लेकर रविवार को राजधानी डमस्कस में कब्जे तक, इन 11 दिनों के अंदर कई चीज़ों में बदलाव हुआ है। होम से लेकर इदलिब, अलेप्पो, हमा, दर्रा और राजधानी डमस्कस तक में विद्रोही अपने झंडे गाड़ चुके हैं। लेकिन सीरिया के एक बड़े हिस्से पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद भी तुर्की और इसराइल लगातार अपने कब्जे वाली कार्रवाई को अंजाम दे रहा है, यानी कि लगातार कई देश लगे हुए हैं अपने कुछ हिस्सों पर कब्जा करने के लिए। लेकिन जो हॉट सीट अभी सीरिया बना हुआ है मिडिल ईस्ट में, वो सबसे बड़ा सवाल है कि वहाँ पर राष्ट्रपति कौन होगा, कैसे सरकार चलेगी। लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ के नागरिक खुश नज़र आ रहे हैं जब से असद का तख्ता पलट हुआ है। और अगली खबर की तरफ बढ़े तो सीरिया की ही बात करेंगे, लेकिन सीरिया कैसे कमज़ोर पड़ा।
जब से सीरिया में असद का तख्ता पलट हुआ है तब से ईरान भी कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और वो कैसे? क्योंकि जब इसराइल और हमास की जंग छिड़ी थी उसके बाद लेबनान में हिजबुल्ला संगठन भी इसराइल की चपेट में आया था। हमास को शांत किया गया, हिजबुल्ला को शांत किया गया, ईरान पर अटैक किया गया, उसके बाद से अब ईरान के पास से सीरियाई ताकत भी चली गई। यानी कि असद का जब से तख्ता पलट हुआ है ईरान काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा है। अब सीरिया में असद सरकार का तख्ता पलट हो जाने से ईरान और कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान अब भी परमाणु जंग के बारे में सोच रहा है? इसराइल ने ईरान पर करारा पलटवार कर दुनिया भर को चौंका दिया और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति जब चुनाव हुए तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई। इन तमाम चीज़ों के बाद सीरिया में सिविल वॉर के चलते 50 साल से चलते आ रहे सत्ता पर असद के खानदान का सरकार का पतन हो गया। एक के बाद एक सामने आए इन सभी बड़े घटनाक्रम ने मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिक्स को ही बदल कर रख दिया है। सीरिया में दशकों से चल रहे करप्शन और अत्याचार ने असद की सेना को खोखला कर दिया है। इन सब से ईरान पर गहरा असर पड़ा है क्योंकि अब ईरान के पास हिजबुल्ला संगठन जो ऑलरेडी कमज़ोर पड़ चुका है ना वो है। सीरिया में असद का तख्ता पलट हो चुका है, वहाँ से भी कमज़ोरी है। तो लगातार कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ से अब ईरान कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ईरान की जंग सीधे तौर पर इसराइल से, देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा। फिलहाल इस क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम ब्लॉक।